मैम कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया लगी है, पहली बार ऐसी फिल्म देखी है कि बहुत हो जाएगा। भारतीयों को इस फिल्म से सब सीखना चाहिए कि आगे अपने को किस तरीके से रहना और क्या करना चाहिए। इस देशद्रोहियों के साथ उनको बख्शना नहीं चाहिए। मैम कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी है, जो 1990 में हुआ था, कश्मीर पंडितों को भगाया था, वो सब इसमें सच्चाई बताई है पूरी तरह से। हम जो युवा पीढ़ी है, आप उसको रिकमेंड करेंगे कि उन्हें भी ये मूवी देखना चाहिए? बिल्कुल, हम अपने सभी बच्चों को दिखाएंगे। और हमें भी हकीकत मालूम पड़ी कि कश्मीरी पंडितों के संग कितना अत्याचार हुआ, इतिहास में दिखाया गया, पूरा गलत दिखाया गया। ये पिक्चर को रोका इसलिए गया था ताकि मुस्लिम लोग हम लोगों को, हिंदुओं को देखने को नहीं मिले, और हमारी युवा पीढ़ी इस बात को जानकारी ले कि ऐसा होता है अत्याचार, किस तरीके से बताया गया। बड़ा दुख हुआ है हमें, और हमारी अंधी वेरी सरकार थी कांग्रेस की, जो गूंगी बेरी अंधी सब कुछ विकलांग बोल सकते हर तरफ से, वो नीच सरकार ने इन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करी, उसने सच्चाई को पूरी तरह छुपा के रखा। और उनका अंत कितना बुरा हुआ, माँ भी किसी मरी खून के कतरे कतरे और बेटा भी कतरे कतरे होकर बिखरा। वो उन कश्मीरी पंडितों की बद्दुआएं उनको लगी। बहुत दुख हो रहा है हमें कि हमारे देश में रहकर भी इस तरीके का अंधकार और अत्याचार हो रहा है, और हमारी सरकारें हैं कितनी नीच सरकार बोल सकते हैं कांग्रेस की सरकार को, और पूरा परिवार खत्म हो चुका है। एक वो पागल बेटा बचा है बस उसका, पप्पू जिसको बोल सकते हैं कि पप्पू, हाँ, और वो नारी है और वो अकेली अकेली रह गई उत्तर प्रदेश में। वो बोल रही थी ना मैं ये करूँगी, क्या था रे उसका स्लोगन, और थी ना वो प्रियंका गांधी ने स्लोगन चलाया था कि मैं महिला हूँ, नारी हूँ, कर सकती हूँ, नारी मैं भी कर सकती हूँ, चल सकती। वो अकेली रह गई, उसकी सीट एक ही बची, और जनता समझ चुकी है कि क्या करना है, कितना अत्याचार हो रहा है। जनता सब जूते दे रही है अब उनको, खूब खुल के दे रही है। अभी उत्तर प्रदेश में तो नतीजा मिल चुका है, सच्चाई अब सामने आई है, और हमें बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। उस टाइम हम घर से नहीं निकले 91 में, क्योंकि हमारे भी छोटे बच्चे थे, पति निकलने नहीं देते थे। अब हम घर से थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो हम भी थोड़े राजनीति में दुनियादारी समझने लगे, तो हमें बहुत दुख हो रहा है। मैं तो अपने सारे तीनों बच्चों को दिखाऊंगा, दोनों बहुओं को भी पिक्चर दिखाऊंगी। क्या लगता है आपको, देशवासियों का समर्थन मिलेगा इस फिल्म को? मिलेगा, 100% मिलेगा। आज ही के दिन देखिए दो फिल्में और लगी, एक कल लगी थी एक आज, तो क्या लगता है आपको कि ये फिल्म उतना पैसा कमा पाएगी उन फिल्मों जितना? डबल कमाएगी, कमाएगी, बहुत अच्छा कमाएगी। और हमारे सारे हिंदुओं को हम सबको प्रेरित करेंगे कि इस पिक्चर को देखो, देखो बच्चों, बूढ़े सबको। अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो ये फिल्म बताई है और जो सच्चाई से सबको अवगत कराया है, उसके लिए हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं। आप 10 में से कितने स्टार देंगे फिल्म? मैं तो ना 10 की 10 देऊंगी भैया, 10 की 10। हाँ, 10 से 11 कि ये फिल्म हर छोटे शहर में लगे, ताकि हर व्यक्ति तक मतलब इसकी जानकारी जाए। नहीं, मध्य प्रदेश में ये फिल्म ऑलरेडी टैक्स फ्री हो गई है। नहीं, जैसे कई शहरों में इसका कोई जानकारी भी नहीं है कई लोगों को। क्या ऐसा नहीं है? मैम हम लोग इसके पहले हम लोग 3 और थिएटरों में होके आ रहे हैं। मैम राधे श्याम से ज्यादा पब्लिक इस फिल्म को देखने के लिए, और सारे के सारे यूथ है, यंगस्टर्स है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। मैं भी यही चाहती हूँ कि ये ना सभी बच्चे भी देखें, उनकी कुछ महिलाएं जो रहती हैं, जो घर में गृहणियाँ रहती है, वो भी देखें, ताकि जागरूक हो कि क्या हो रहा है देश में, हमारे साथ क्या हुआ था, क्या अत्याचार हुआ था। वरना अभी भी कई जगह लगता है कुछ नहीं हुआ था, कई लोग इस बात को टालते रहते हैं, पर इस पिक्चर से जागरूकता हो रही है, पता चल रहा है लोगों को कि हमारे देश ने कई पीड़ाएँ सही हैं, पहले अंग्रेजों की, फिर आतंकवादियों की, और आज भी कहीं ना कहीं हम, आज हमारे मोदी जी हैं जिनके कारण हम आज स्वतंत्र अपने आप को फील करते हैं, जिन्होंने धारा 370 हटाई। भारत का भाग्य जागा है तो मोदी जी आए हैं, अभी तक ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक समय में कहा था कि कांग्रेस का कभी एक दिन ऐसा भी आएगा जो वो एक भी सीट नहीं ला पाएगी। सरकार गिरी है तो कांग्रेस के ऊपर भी एक दिन आएगा, बचेगी उनके पास एक सीट भी नहीं बचेगी। और उस वक्त आपको याद हो तो इंदिरा गांधी जी उन पर हंस रही थी। बल्कि आज समय ऐसा है कि सारा हिंदुस्तान कांग्रेस पे हंस रहा है, पप्पू पर हंस रहा है। चलिए ठीक है।